नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आर ए ट्रक ड्राइवर व्लॉग्स पे फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही दुख भरी कहानी लेके आया हूँ मैं आप सभी के सामने, और ट्रक ड्राइवरों के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए है जो ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो भी ट्रक चलाने का शौक पालते हैं उन सब के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, और वीडियो सुन करके अच्छा लगे और सच्चा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका राय क्या है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वैसे भी इंडियन ट्रक ड्राइवरों का तो कोई वैल्यू है नहीं, कहीं भी वो चाहे कैसे भी रहे, कितनी भी मेहनत करे, उसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और ऊपर से कुछ लोग जो है अपने पॉपुलैरिटी के लिए ट्रक ड्राइवरों को और भी नीचे दिखाते हैं। मैं प्रूफ के साथ अभी बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए और इसके ऊपर विचार कीजिएगा। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं, यह है मैडम गीता रानी फिल्म का कुछ सीन दिखाऊंगा मैं आप सभी को। इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल को भी इफेक्ट आ सकता है। और इसमें ये जो है कि फिल्म है मैडम गीता रानी, 2020 में रिलीज़ हुआ है, तमिलनाडु, तमिल डाउट फिल्म, हिंदी डाउट किया गया है, तमिल फिल्म है। इसमें आपने जैसे वीडियो पे देखा, ट्रक एंट्री मारती है, बच्चे स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है कि स्कूल के अंदर भाग के जाते हैं और जाते ही बोलते हैं, बाप रे ट्रक वाले गुंडे आ गए। तो ऐसी चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। और ये जो है कि ट्रक वाले कभी गुंडा होते नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ट्रक वाले गुंडाई पे उतर जाएंगे तो देश खाएगी ना मर जाएगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री ऐसा कुछ पब्लिक को कुछ अच्छा, हाँ फिल्म बहुत अच्छा है, फिल्म जो है कि मैं पूरा कम्प्लीटली देखा हूँ, बहुत अच्छा फिल्म है, इससे अच्छा सीख भी मिला है। ये प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को लेके कुछ फिल्म जो है कि स्टोरी बना हुआ है, लेकिन इसमें ट्रक ड्राइवर को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है? इसमें ट्रक ड्राइवरों को साफ गुंडा बोला गया है जो है कि सरासर गलत है। और वो झगड़ा जो, वो फिल्म का स्टोरी जो था, वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, और ये सब कुछ स्टोरी है जो आप फिल्म को देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो उन फिल्म वालों ने ये सब की प्रयोग कैसे कर लिया कि ट्रक वाले गुंडा आ गए। वो ये भी तो बोल सकते हैं कि गुंडे ट्रक से आए हैं या फिर गुंडे आए हुए हैं या फिर गाड़ी वाले गुंडे आ गए हैं, ट्रक वाले गुंडे ही क्यों? तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ है जो जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर ट्रक ड्राइवरों के लिए नफरत जो है कि फैल रहा है। और एक छोटा सा सीन दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा और इस पे विचार कीजिएगा। और मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ ये आप समझ सकते हैं। सभी को अपना सेल्फ रेस्पेक्ट जो है कि पसंद है। एक मिनट और एक वीडियो दिखाता हूँ। और एक वीडियो है मनीष कश्यप, जो कि बिहार का नंबर वन न्यूज़ चैनल है, और पूरी देश भर में अभी तो मनीष कश्यप को ऐसा कोई है नहीं जो नहीं जानता होगा, उनकी नाम नहीं सुना होगा। और उन्होंने बहुत अच्छा ही बात बोला है ओवरलोडिंग को लेकर के, लेकिन जो बात ड्राइवर से बोल रहे हैं, पहली बात तो वो ड्राइवर से उतना नहीं, मोटर मालिक से उनको बात करना चाहिए था। और खैर, ड्राइवर ही रोड पे चल रहा है तो ड्राइवर से पूछना भी जायज है, लेकिन उसमें
उनने एक बात बोला है कि इन लोग को ज्यादा बोलेंगे तो ये चढ़ा देंगे, तो ये बहुत ही गलत है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। इसमें जो है कि आप हक की लड़ाई लड़िए, आप जायज बात पे बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन चढ़ा देंगे यानी कि आप ड्राइवर को नीचा दिखा रहे हो। आप सुन लो, तो मैं देखिए ऐसे ड्राइवरों को बदनाम किया जा रहा है, पूरे ऐसे ही ड्राइवर बदनाम है। ऊपर से इन लोग मीडिया वाले अपने पॉपुलरिटी, अपने तरक्की करने के लिए किसी और को नीचे कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। वैसे तो हम ऐसे ही छोटी सी एग्जांपल ले लो, बदनाम ऐसा इतना है कि अगर हम कहीं पे बाहर गए, अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो जाती है, डीजल चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, केबिन में शीशा काट के, या फिर कैसे भी करके अगर कुछ चोरी हो रहा है, चोरी भी हो रहा है, तो हम सामने वालों को, जैसे किसी प्लांट में है चोरी हो गया, प्लांट वाले से बोलते हैं कि हमारा देखिए गाड़ी में से ऐसे चोरी हो गया, या फिर घर पे भी अगर फोन करके बोलते हैं कि हमारा रात को ऐसे हादसा हो गया, तो खैर घर वाले समझ जाते हैं, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के होते हैं, जो अपने गांव के होते हैं, अड़ोस पड़ोस के, वो तक नहीं समझ पाते हैं। बाहर के लोग तो क्या समझेंगे। आप अगर किसी को बोलोगे कि रात को मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया, तो पहले बात वो पहली शब्द उनका ये निकलेगा कि रात को पी के सोया होगा तू। तभी तो ऐसा नहीं है, ट्रक ड्राइवर नशा तो करते हैं, अपने कारण भी है नशा करने का, वो अलग बात है नशा करना और चलाना, लेकिन नशा ना करके ऐसे ही 24 घंटे वो नशे में रहते हैं, जो दिन रात एक करके, जो एक वक्त के खाना मिलता है तो दूसरे वक्त नहीं मिलता है, नींद आ रही होती है फिर भी उनको सेफ जगह ना मिलने की वजह से वो रुक नहीं पाते हैं, और वो बंदा अगर दिन भर जो चल रहा हो, ड्राइवर अगर इतने बड़े गाड़ी लेके, लोड लेके, ट्रैफिक से लड़ते हुए, पूरा टेंशन रोड की लेके, अगर उनको अगर 2 घंटे या 1 घंटे जगह सेफ मिला, अगर सो रहा है ना, तो ड्राइवरों का सोना और मरना बराबर होता है। उस समय कौन क्या लेके गया, कौन ये, तो इसको भी आप लोग जो जानता है जो है कि शराब के, दारू के, नशे के नाम दे देते हैं। चलिए तो ड्राइवर भाई, वो से विनती है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम ये वीडियो बनाए हैं जो ड्राइवरों को बदनाम करना की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके मन में ड्राइवरों के लिए नफरत है उन तक भी पहुंचे, ये वीडियो को देखे, वो भी समझने की कोशिश करें। आखिर ड्राइवरों को भी समझना तो चाहिए ना कोई तो इनको भी तो समझना चाहिए। अगर ट्रक ड्राइवर ना हो तो पूरे देश में कुछ नहीं, आपके घर राशन से लेके, कपड़े से लेके, हर एक चीज, मंत्री है तो भी ड्राइवर से ही है, आम जनता है तो भी ड्राइवर से ही है, स्कूल, ऑफिसेस, कॉलेजेस, डिपार्ट्समेंट, सेना, जितने भी हैं सब ड्राइवर के बदौलत है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों का बड़ा योगदान, बलिदान भी है। इस पे विचार करें, सरकार से भी कुछ मांगे किया जाए। चलिए चैनल को बंद करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद, चैनल पर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं, अपना अपना राय भी आप कमेंट में दे सकते हैं, और मेरा नंबर मेरे चैनल में है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।